अब जो विवाहों के कार्यक्रम हैं उनमें हल्दी तो होती है, लेकिन हल्दी सिर्फ पीछे लिखी हुई होती है, बाकी कोई हल्दी नहीं होती। आजकल उसको भी लोगों ने मनोरंजन बना लिया है, जो एक पूरी धार्मिक आध्यात्मिक प्रक्रिया थी, विचार करने वाली बात है। मंडप अगर लग गया तो उस मंडप, वो मंडप आखिरी में ही हटेगा, पता पड़ा मंडप ही आजकल डोल रहा है इधर से उधर, वैसे ही फिर जिंदगी भी डोल रही है इधर से उधर। जो पुराने समय के रीति रिवाज थे वो बहुत प्रगाढ़ता से बने हुए थे, और तभी जीवन बड़े अच्छे से गुजरता था, रिश्ते बहुत अच्छे और स्ट्रांग होते थे। आज मजाक मजाक सा लगता है, विवाह विवाह जैसा लगता ही नहीं है, आज तो फॉर्मेलिटी सी लगती है। आज वो गहराई नहीं है, वो गाढ़ापन नहीं है। अरे औरों की छोड़ो, जिनका विवाह है उनके जीवन वो भी बस चल रहा है, हाँ भाई हो गई, उनके अंदर भी वो एंथुसियाज्म, वो जोश नहीं है विवाह के प्रति, वो समर्पण नहीं है, वो भाव नहीं है। सब दिखावे के लिए चल पड़े हैं, सब दिखावा कर रहे हैं। जिनको जीवन जीना है, जिनको एक साथ रहना है, उस पर विचार ही नहीं आ रहा। बड़ा दुख होता है देखकर, और इसलिए अब परिणाम वैसे आने लगे हैं, अब परिणाम भी वैसे ही आने लगे हैं, वैसे ही आने लगे हैं। अब समधी और समधन नाम के रह गए हैं, अब तो सिर्फ नाम के रह गए, उनको मीनिंग ही नहीं मालूम क्या है। तेरे यहां से ये कम आया, मेरे यहां से कम गया, अरे भाई ये संबंधी बन गए तो फिर कम और ज्यादा क्या, सब बराबर हो गया। लेकिन लोग समझ ही नहीं रहे इस शब्द को। जब राम जी की बारात जनकपुर पहुंची तो श्री राम जी की बारात जब जनकपुर पहुंची तो पहली पंगत जब हुई तो दाल भात और घी परोसा गया, दाल भात और घी, तो लोग आश्चर्य में पड़ गए, इतने बड़े राजा की बारात, इतने बड़े राजा के आई है और खाने में यह मिल रहा है। जनक जी आए, बड़े प्रेम से सबको हाथ जोड़कर कहते हैं भगवान प्रसादी पाओ, प्रसादी पाओ। तो किसी ने पूछ लिया, इतने बड़े राजा हैं, दाल भात खिला रहे हैं, हमारे यहां खूब होता है। बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, ये दाल भात और जो घी है ना, ये सगुन है हमारे यहां का। जब दाल और भात दोनों मिल जाते हैं और उसमें घी मिल जाता है, स्नेह, घी को बोलते हैं स्नेह, तो हम संबंध जोड़ने की तैयारी में हैं, तो ये उस बात का सगुन है। जैसे दाल और भात जब मिल जाते हैं तो अलग नहीं किया जा सकता, इसमें स्नेह, इसमें चिकनाई पड़ी हुई है, आनंद है, बस ऐसे ही ये रिश्ता आगे बढ़ जाए और संबंध बन जाए, ये दर्शन है महाराज। बोला हमारे यहां पहले वो चीज नहीं परोसी जाती जिसमें तोड़ा जाता है, रोटी पूड़ी को तोड़ोगे, संबंध जोड़ने जा रहे हैं, रच पच जाए एक दूसरे में, संबंध ऐसा हो, ये शगुन होना चाहिए, ये तोड़ा ताड़ी वाला मामला नहीं चलेगा। क्या सोच थी, क्या विचार था। तो अब वो चीजें नहीं इसलिए रही क्योंकि हम जिस दौड़ में जा रहे हैं ना, अक्सर मैं इस बात को देखा और समझ, सिर्फ देखने में चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं लेकिन वो अंदर सब खोखला है, सब एवरीथिंग इज एम्प्टी, सब खाली है। पहले के ब्याह क्या ब्याह होते थे, आज तो 2-3 घंटे का उत्सव है, पहले तो 2-3-4-6-8 महीने का उत्सव होता था, 1 साल बाद विवाह है। हालांकि वो चीज बहुत अलग थी लेकिन एक जनरल बात है, 1 साल बाद विवाह है और अभी से गीत गाकर गेहूं बीने जा रहे हैं, तैयारी चल रही है। विचार कीजिए, अब जीवन का दाम्पत्य संबंध भी अब सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी सा बनकर रह गया, इसलिए जीवन भी फॉर्मेलिटी है, इसलिए वो दोनों का एक दूसरे के प्रति जो समर्पण होना चाहिए महाराज, वो देखने को नहीं मिलता। तैयार बैठे थोड़ी सी बात हो, अपनी अपनी तलवारें निकाल के लड़ रहे हम,
क्योंकि वो जो सिद्धांत बनाए गए थे, वो जो चीजें तैयार की गई थी, वो जो मंडप का मंडप पूजन, वो जो हल्दी, वो रस्म है, वो तेल, वो सब पूरी विधि थी। कौन से कपड़े कब बदलना है, कब क्या करना है, कौन सी चीज को कहां ले जाना है, बारात जब लौट के आएगी तो सबसे पहले देवी देवताओं का पूजन। कौन से देवी देवता? एक आपके कुल देवी देवता और एक जहां आप निवास करते वहां निकट के ग्राम देवता, क्योंकि उनसे आपका पोषण हो रहा है। फिर आपके जीवन की अन्य 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 बातों के आगे चर्चा जाएगी। आज काय के देवी और काय के देवता, हम ही देवता हैं, बने रहो, भगवान भला करे तुम्हारा। आज विदा हो रही है, माता पिता कह रहे हैं बेटी कोई प्रॉब्लम हो तो हम बैठे हैं। तुम बैठे क्यों? तुम खड़े होके साथ में चले जाओ, तुम बैठे भी क्यों? और पहले से उस बच्ची के दिमाग में कि वो है मेरे साथ, तो फिर वो क्यों कहीं निभेगी और कहां नभेगी? और जिसके जीवन में नभना नहीं है वो निभा नहीं सकता, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। महाराज, जिसके जीवन में नभना नहीं है, जो नभ नहीं सकता वो निभा नहीं सकता। कोई भी संबंध हो दुनिया का, कोई भी दुनिया का संबंध हो, रिलेशनशिप हो, झुककर तो काम हो सकता है। अगर आप सोचो मैं झुका के करवा लूं तो संभव नहीं है। झुकाया जा सकता है सामने वाले को, तुम तो झुको पहले, सामने वाला भी झुकेगा। तुम झुकना नहीं चाहते और झुकाना चाहते हो,